हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेडी है और आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग OBS में जो है टेम्पलेट बना सकते हो। तो जो OBS का टेम्पलेट है वो एक्सेल शीट थ्रू कैसे बना सकते हो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आज तक मतलब अभी तक मैंने जो भी वीडियोज़ देखी उसमें जो है यूट्यूब में यही बताया है कि कैसे आप लोग एक छोटा सा ऑनलाइन वाला स्कोर बोर्ड है छोटा सा, वो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सेल में बड़ा सा आपका जो स्कोर बोर्ड आ जाएगा, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, आपको जो भी स्पोर्ट्स चाहिए उसका आ जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप लोग को बता दूँ कि वीमिक्स के हम लोग ने 4 से 5 पार्ट बनाए हैं। वीमिक्स में बहुत ही ज़्यादा डीप में हम लोग गए हैं, जहाँ पे हम लोग ने रीप्ले हाइलाइट्स कैसे करते हैं वो भी बताया है। स्कोरबोर्ड सारी चीज़ें पूरा रेडी आपको मिल जाएगा, तो चैनल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। लोगों के कमेंट्स ये थे कि हम लोग OBS यूज़ करते हैं, वीमिक्स नहीं यूज़ करते हैं, तो OBS के लिए वीडियो बनाओ। तो ये OBS के लिए वीडियो आज बना रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग एक्सेल थ्रू उसको जो है स्कोरबोर्ड को अपडेट कर सकते हो। आप लोग ज़रूर से पहले वीडियोज़ देखो और उसके बाद जो है फॉलो करके हम लोग जो है, अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो मुझे आप कांटेक्ट करो, तो हम लोग जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुरू करते हैं वीडियो को, चेकआउट करते हैं कि कैसे हम लोग OBS सॉफ्टवेयर में एक्सेल थ्रू जो है स्कोरबोर्ड बना सकते हैं और कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो हमने जो है OBS का सेटअप ऑन किया है। यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, न्यू सेटअप है एकदम। अभी आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जो है, आपको अगर वीडियो ऑडियो ऐड करना है तो मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी वो पता होगा। यहाँ से आप लोग वीडियो ऑडियो ले सकते हो, और यहाँ से अगर आप लोग को गेमिंग करना है, आपका स्क्रीन कैप्चर करना है, तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। आज की वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगी हमारे स्कोरबोर्ड के ऊपर, तो उसके लिए स्कोरबोर्ड की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नेम होगा OBS स्कोरबोर्ड। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक स्कोरबोर्ड बनाया है, जो स्कोरबोर्ड के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको ये 2-3 चीज़ें डायरेक्ट भी आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ, जहाँ से आप लोग को ईजी होने वाला है, मतलब ड्राइव की लिंक दूंगा, तो ये सारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बट फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैं आप लोग को जो है प्रॉपर वापस एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर हम लोग जो है फटाफट से डाल देते हैं। मैं आप लोग को एक जो है स्कोरबोर्ड की जो है टेम्पलेट दे देता हूँ, वो आप लोग ले सकते हो। इस तरह से कुछ होगा, जो कि एकदम ब्लैंक टेम्पलेट होगा, इस तरह से कुछ होगा। ये आप कहाँ से भी, नेट से भी उठा सकते हो, अगर आपको जो चाहिए वैसा आप लोग ले सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे लिए ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्कोरबोर्ड हमने रख दिया है। अभी हम लोग जो है एक नया एक्सेल शीट ओपन करेंगे। शीट ओपन कर लिया है, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, और आपको जो टेम्पलेट के अंदर आपको मेंशन करना है उसके हिसाब से ही आपको जो है चेक करना है। तो देखो मैं यहाँ पे टेम्पलेट को ऑन करके थोड़ा सा जूम करके रख दिया हूँ, और बैकग्राउंड में हम लोग ये एक्सेल है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है जिसपे हम लोग डालने वाले हैं BPL लीग। सेकंड वाला पोर्शन यहाँ पे है, वो होगा बैट्समैन का नेम। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ये हो गया है, देख सकते हो। अभी इसको जो है हमको OBS के अंदर पुश करना है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले तो ये फाइल को आप लोग सेव पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो है OBS स्कोरबोर्ड आपने जो नया बना है, नया जो आपने बनाया इस तरह से आपको दिखेगा, उसमें आप लोग जो है यहाँ पे डाल सकते हो OBS स्कोरबोर्ड न्यू, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल फाइल सेव हो गई है, ये सिर्फ नॉर्मल हुई है। अभी हमको जो है एडवांस वाली फाइल जो है, वेब वाली फाइल जो है उसको करना है। उसके लिए वापस एक बार जाना है, वापस आपके जो फोल्डर में जाना है। देखो ये हमने जो की थी, अभी हमको जो करनी है वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो वेब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक को जो है सिलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे आपको वेब पेज दिखेगा जो आपको सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिर्फ शीट पे सिलेक्ट करना है, ये वर्कबुक है, ये शीट है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग को जो है ऑटो रीपब्लिश एवरी टाइम ऐसा करना है, और पब्लिश पे क्लिक कर देना है, न्यू वाला, ठीक है। वो पुराना वाला मैंने पीछे ही रखा है। इस तरह से कुछ आपका भी स्कोरबोर्ड आ गया है। अभी आपको क्या करना है, OBS में इसको ऐड करना है। उसके लिए हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, नया एक ब्राउज़र ओके पे क्लिक करेंगे। ये जो URL है उसका कुछ अभी यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये नेट का URL है। बहुत लोगों ने आपको ये बताया रहेगा कि यहाँ पे वो URL डालना जो वेब पेज पे रन्स आता है और वो सारी चीज़ें, मतलब एकदम बेसिक सा टेम्पलेट है, तो वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। हम लोग जो है हमारा जो फोल्डर था OBS स्कोरबोर्ड वाला, उसमें जाके जो है
हमने जो वेब पेज बनाया था उसको हम लोग ओपन करेंगे। वो ओपन करने के बाद नीचे आप लोग को ये रिफ्रेश ब्राउज़र व्हेन सीन बिकम्स एक्टिव ये करके ओके कर देना है। अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको ब्राउज़र तो आ गया है लेकिन बैकग्राउंड कुछ ठीक से दिख रहा नहीं है। ये इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी ब्लैक में है और ये चीज़ भी ब्लैक में ही, तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा। बैकग्राउंड के लिए जो है ऐड पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, ओके करना है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। उसमें जाके जो स्कोरबोर्ड हमने मैंने आपको बताया था, जो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वरना आप लोग जो डाउनलोड करोगे वो आप लोग सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। उसको बस ओके कर देना है। ये देखो ये हमारा स्कोरबोर्ड यहाँ पे आ गया है। उसको थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से उसको सेटअप कर लो, थोड़ा छोटा बड़ा उसको कर लो, ठीक है। तो मैं इतना इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कोरबोर्ड, तो ये हमारा स्कोरबोर्ड जो है सेटअप हो गया है। अभी हमारा ब्राउज़र है उसको हमें ऊपर रखना है, ठीक है। और ये ब्राउज़र के ऊपर आप लोग देख सकते हो इस तरह से कुछ आप लोग को दिख रहा है। उसके लिए आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। सब कुछ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोग को जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर बदल देना है। तो आप उसको एक बार ऑरेंज रखो, सेव पे क्लिक कर दो। और जब भी आप इसको सेव करोगे उसके बाद ही यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट होंगे। ये हो नहीं गया था, आप लोग को यहाँ पे रिफ्रेश है बटन है उस पर क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट आ गया है जो कि ऑरेंज में है। ये इसके लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अभी फ़िलहाल हमको दिख रहा नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको सेटअप करेंगे। तो ये देख सकते हो हमने हमारा जो है सेटअप प्रॉपरली रख दिया है यहाँ पे। अभी हम इसको जो कलर रखना है वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। अभी देख सकते हो मेरा जो है ये नेम है बॉलर का, वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो मैंने इसको ये आगे करके, और ये जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा क्लोज लेके आते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है आप लोगों को करनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा इसको जो है हम बड़ा भी कर लेंगे, इसका टेक्स्ट जो है हम लोग ये 20 कर देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से दिखेगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर वापस एक बार ब्राउज़र पर क्लिक करना है, रिफ्रेश मार देना है। तो ये देख सकते हो टेक्स्ट सारे के सारे बड़े बड़े एकदम टेक्स्ट आ गए हैं। थोड़ा बहुत इसको जो आप लोग यहाँ से भी रीअलाइन कर सकते हो, कुछ अगर छोटा मोटा है तो यहाँ से उसको रीअलाइन कर दो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस यहाँ पे डेटा एंट्री करना है, जैसे कि जो है 25 रन्स हो गए, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ 3 जो है रन्स लिए हैं। सेव पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड में यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारना है। देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो गया है, देख सकते हो 25 हो गया है। मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको 30 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 विकेट कर देता हूँ और 4 विकेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सेटअप है। धीरे धीरे आप लोग को उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में आप लोग इतना स्कोरबोर्ड बना के प्रो नहीं बन सकते, वो चीज़ में ऐसा चीज़ है। ये दो चीज़ ऐड हो गए तो बस क्या आपका वीडियो ऐड करना है, आपका ऑडियो ऐड करना है, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करके आपका यूट्यूब जो है उसमें आपको इसको पुश कर देना है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आप लोगों को डेमो भी दिखा देता हूँ कि कैसा उसको होता है। जैसे आप लोग गो लाइव में जाते हो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रीम की जो है उसको आपको यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कॉपी करना है बस। और फिलहाल के लिए मैं जो है इसको प्राइवेट में ही रख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को वापस आना है, यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर डायरेक्टली इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया है। आपको करना है तो आप लोग ये की को जो है कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल सकते हो। जैसे आप लोग करोगे देख सकते हो ये लाइव हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। लाइव थोड़ी सी ब्लैंक आई गई है क्योंकि जो है स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो। और ये देखो हमारी लाइव प्रॉपर यहाँ पे दिख रही है, कोई इसमें हमें इशू नहीं आ रहा है। देखो ये लाइव है हमारी, चेत में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अपडेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे इसको जो है 39 रन कर देते हैं। उमेश के बदले हम लोग इसको दिनेश करके देख लेते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे ये सेव हो जाता है उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके फटाफट से इसको जो है ब्राउज़र पर क्लिक करके रिफ्रेश मारो और देख सकते हो 39 हमने रन किए हैं, 39 जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ सेटअप वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये ज़रूर है, बट OBS जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए जो है ये वीडियो बनाऊँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है, वरना और कोई भी आप लोग को जो है वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, स्कोरबोर्ड है, वरना और भी चीज़ें हैं लाइव स्ट्रीम में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके रिप्लाई करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।